प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज समागम के दूसरे दिन आपने सुबह सेवा दल की रैली का रूप देखा और अब आप सत्संग का आनंद ले रहे हैं, अपनी भक्ति का आनंद ले रहे हैं। साध संगत जी, बाबा जी ने हमेशा यही सिखाया, स्पेंड टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ बट डू नॉट वेस्ट टाइम टू प्रूव इट। संतों को कभी ये हमें अपना समय अपने आप को सुधारने के लिए ज़रूर लगाना है, पर ये ना हम सोचें कि हम लोगों को दिखाएं, देखो जी हम अपने आप को कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। साध संगत जी, मीरा भाई, भक्त कबीर, प्रहलाद, इन सब के जीवन से आप वाकिफ हैं। उन्होंने सिर्फ भक्ति करी और लोगों को ये कभी नहीं बताया कि मैं ज्ञानवान हूँ, मैं भक्त हूँ। उनकी भक्ति के कारण ही सब उनके साथ जुड़ते गए और आज तक श्रद्धा से सब उनको याद करते हैं। दूसरी तरफ रावण जो अभिमानी था, उसको अपनी भक्ति का अभिमान भी था और सिर्फ यही दिखाना चाहता था कि मैं कितना महान हूँ। उसको उससे अभी तक हर बरस उसका पुतला जलाते हैं और उसके अभिमान के लिए ही उसको याद किया जाता है। अगर हम भक्ति सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि लोग देखें मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, तो वह भक्ति नहीं होती। साध संगत जी, आप सब प्रधान जी के जीवन से भी वाकिफ थे कि उन्होंने कितना बरस कैलकटा में लगाया और जगह जगह जाके इस मिशन का प्रचार किया। तब तो कारें भी नहीं थी मिशन के पास इतनी, कभी ट्रेन पे जाना पड़ा तो वो ट्रेन पे चले गए, बस पे जाना पड़ा तो बस पे चले गए। इतना सरल सा जीवन था उनका और इसी सरलता के साथ उन्होंने अनेकों को इस मिशन के साथ भी जोड़ा। निरंकार से यही अरदास है कि सब के जीवन में सरलता बनी रहे, भक्ति बनी रहे और बढ़ चढ़ के इस मिशन का प्रचार आगे से आगे कर पाएँ। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।